नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेलकम बैक टू द अनफोल्डिंग प्ले। एक और नया दिन और सफ़र चालू हो गया है। मैं और आपकी प्यारी पटरू मैडम जो है निकल चुके हैं, और हम लोग जो हैं फिलहाल झबुआ का बाईपास क्रॉस कर रहे हैं। अगर हम लोग इस रोड से अंदर जाएंगे तो हम लोग झबुआ सिटी में चले जाएंगे, पर हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस बार जो है बाईपास शॉर्टकट है। नहीं तो हमें सिटी में ऐसा अंदर जाके फिर घूम के आना पड़ेगा। यूजुअली जो है ऐसा होता है कि जब छोटे छोटे गांव होते हैं ना, तो गांव का रास्ता अगर आप ले लो तो बाईपास से छोटा पड़ता है, पर जब मेजर सिटी आ जाती है तो बाईपास इज़ मच बेटर देन अ सिटी। तो आपका डिस्टेंस जो है कम पड़ता है बाईपास। बाकी ये है कि फ़िलहाल जो है मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, बादल हो रखे हैं। मैं और बटराज थोड़ी जल्दी भी निकल गए थे, तो देखते हैं। और सुबह से सिर्फ दो चाय पी जिसकी 20 रुपये लगे, बाकी आगे करेंगे ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है। फिलहाल मोटिव है कि जिससे पहले धूप वापस आए, इससे पहले काफ़ी डिस्टेंस क्लियर कर गया है। कल जो है हमारा 1 किलोमीटर रह गया था एवरेज में, हालांकि हम लोग चले 26 किलोमीटर, बट डिस्टेंस देखा जाए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वो 19 ही था। बाकी हम लोग बस खाने के लिए एक्स्ट्रा चले, तो ऐसा है। देखते हैं आज कितना एक्स्ट्रा चल रहा है या नहीं चल रहा है और कहाँ देखेंगे। लो गाइस, करीब आधा घंटा 40 मिनट चलने के बाद दोबारा धूप आ चुकी है। अच्छी बात यह है कि दोनों साइड पेड़ हैं तो हम लोगों को परछाई पड़ रही है, बटर मैडम को दिक्कत नहीं होगी। बाकी यहाँ से आगे जो है कम से कम 3-4 किलोमीटर और चलना पड़ेगा कुछ खाने के लिए, नाश्ते के लिए। हम दोनों को एक ढाबा तो दिखा रहा है, जस्ट 200 मीटर आगे पड़ी है। नहीं पता कि खुला होगा कि क्या सीन है उसका, क्योंकि मेजरली ये जो ढाबे हैं ट्रक वाले 11 बजे के बाद ही खाना बनाते हैं। जस बंद है ये, तो पहुँचे और पता चला कि बंद है भाई। यार सुबह सुबह खुलते नहीं हैं मोस्टली जगहें जो है हाईवे पे, क्योंकि लेट तक रात को 1-2 बजे तक खोलना होता है। एक और ढाबा गाइस ये खुला हुआ है, यहाँ पे नाश्ता मिलेगा तो कर लेंगे, तो चाय वाय पी लेंगे। ब्रेक तो वैसे भी लेना ही है हम लोगों को। करीब 1 घंटा हो गया चले हुए, अभी देखो क्या टाइम हो रहा है, 9:30 हो रहे हैं, तो ज़्यादा ही हो गया 1-1.5 घंटा। खाना खाते हैं या कुछ चाय वाय पीते हैं फिर चलेंगे आगे। ये रहा हूँ गाइस, खुला लग तो रहा है, खुला है भी नहीं। नहीं गाइस, हम लोगों को नहीं मिल पाया है खाना क्योंकि बंद है वो। आप लोग बोल रहे हैं जो कारीगर है जो बनाते हैं सब कुछ, वो है ही नहीं और कुछ भी नहीं है, चाय वगैरह भी नहीं है। तो हम लोग बस 2 मिनट बैठे और फिर निकल गए। गूगल पे बोल रहा है कि कम से कम 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और पीछे उन्होंने बताया कि ज़्यादा नहीं बस पास में ही है। तो मेरे को लग रहा है उनको समझ नहीं आया होगा कि मैं पैदल हूँ क्या हूँ, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया पास में 5 किलोमीटर ही होगा शायद। तो ऐसे में ढाबा वाबा तो मिला नहीं, बट हमें एक चाय की दुकान मिल गई है यहाँ पे। हमने दीदी से जो है दूध ले लिया है, थैंक यू। और ये है चाय, चाय के साथ बिस्किट, पेट में कुछ जाना चाहिए। बटर के लिए, और बटर के लिए जो है दूध ले लिया है, पर वो थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा था, मतलब जमा हुआ था, इसलिए रखा हुआ है, थोड़ा पानी में गल जाएगा उसके बाद चलेंगे। तब तक मैं पार्ले जी खा लेता हूँ थोड़ा चाय के साथ। बच्चे लोग देख रहे क्या हो रहा है। बटर मैडम के लिए गाइस दूध मिल गया है, तो बटर जी को दूध पिला दिया जा रहा है, कम से कम बटर तो भूखी ना रहे। वैसे डायनो का खाना है, बट मैंने इसलिए बचा रखा है कोई भी ऑप्शन ना हो तब, क्योंकि सिर्फ 2-3 पैकेट बचे हैं, तो अच्छा ये है कि रिजर्व में रखा जाए। बटर और मैं निकल गए हैं चाय पी के, और हमारे जो हैं 77 रुपीज़ लगे हैं। बटर को दूध पिलाया मैंने, चाय पी दो, और यहाँ से अब 4-5 किलोमीटर चलना है हमें, तभी कोई ढाबा वगैरह आएगा। और 4-5 किलोमीटर चल के हम लोग ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि सूरज आ चुका है वापस भाई, तो इस धूप में चलना बेकार है, शाम को चलेंगे। वैसे तो मैं और बटर 6-7 किलोमीटर चल चुके हैं, 5 और चलेंगे तो 11 हो जाएंगे, और बाकी का जो है सेकेंड हाफ में कवर कर लेंगे। हमारी किस्मत ऐसी है कि जहाँ पे पेट्रोल पंप पे ऐसा कुछ आ रहा है रुकने के लिए, वहाँ खाने के लिए ढाबा नहीं है, और जहाँ ढाबा है वहाँ ऐसा कुछ रुकने के लिए नहीं आ रहा है। तो हमें मेन तो अभी खाना ढूंढना है, बिना खाने के नहीं होगा। जगह तो भी हम किसी ना किसी ऐसे बड़े पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, देखो, पर मेन खाना ढूंढना है अभी। गर्मी इतनी बढ़ गई है, इसकी बटर मैडम को जो है बैठना पड़ा है हम लोगों को हाईवे के साइड में,
परछाई मिल गई थी पेड़ की, इतने इम्पोर्टेंट है देखो छोटे छोटे पेड़। और बटर मैडम आते ही बैठ गए इधर, तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठ के चलते हैं, मैं ज़्यादा नहीं 1.5-2 किलोमीटर आगे जाना है, फिर वहाँ पे पेट्रोल पंप ढाबा वगैरह सब है आगे सीधा, वहाँ पे चल के रुकेंगे खाना खाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 11:10। मुझे सुबह सुबह लगा था कि आज धूप होगी नहीं, बादल रहेंगे, क्योंकि 8-8:30 बजे तक जो है धूप नहीं आई थी और अच्छा चिली चिली थोड़ा मौसम हो रहा था, ऐसे सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना ऐसा वाला। तो पर जो सोचा था वो हुआ नहीं, धूप आ गई है तो बटर मुझे चलना ही पड़ा है। अब ज़्यादा नहीं पहुँच ही गए हैं, बस हम लोगों को 10-15 मिनट लगेंगे और फर्स्ट हाफ हम लोग क्लोज कर देंगे, रुकेंगे खाना खा के, फिर उसके बाद आराम से शाम को चलेंगे। तो गाइस हम लोग झबुआ के थोड़ा बाहर आ गए हैं और हम लोगों को हनुमान जी का मंदिर मिल गया है और पेड़ ही पेड़ है, छाया ही छाया है, यहाँ वेट कर सकते हैं थोड़ा। ये वो रास्ता है जो झबुआ सिटी के अंदर से आ रहा है और ये ऊपर वो हाईवे जहाँ से हम लोग नीचे आए हैं। सिटी से अंदर से आते तो हम लोगों को 4-5 किलोमीटर या ज़्यादा ही थोड़ा लंबा पड़ता, पर सामान वामान खाने का मिल जाता। अभी फ़िलहाल ये है कि आपको वहाँ पर देख रहे हो वो ढाबा है पास में, तो वहाँ से पार्सल करा के ले आते हैं, फिर मैं और बटर जो है आराम से बैठ के खाना खा लेंगे। तो इस मैं और बटर बराबर में खाना लेने गए थे और कुछ ज़्यादा ऐसा मिला नहीं, हमें मिला जो था समोसा, मैं अपने लिए समोसा ले आया और थोड़ा सा, और उसके साथ जो अजीब सी चटनी थी दिखने वाली वो मैंने थोड़ी गिरा दी, बट फिलहाल खा लिया है और सोने का टाइम हो गया है। योगा मैट बिछा लिया नीचे पेड़ पे एकदम, बटर मैडम बराबर में लेटी हुई है वहाँ पे मंदिर में, थोड़ी देर आराम करते हैं। वैसे आप मानोगे नहीं, धूप चली गई है एकदम से, गायब हो गई है, पर हम लोग तो अभी चल नहीं रहे हैं, 3-4 बजे ही चलेंगे, बाई चांस आ गई तो बीच में कहीं दिक्कत ना हो जाए। और वैसे भी हम लोग स्टॉप ले लेके ही चलेंगे अब, तो आराम से रेस्ट करते हैं थोड़ी देर फिर चलेंगे। गाइस मैं और बटर जो है ब्रेक लेके निकल चुके हैं एक्सपेक्टेड टाइम से जल्दी, हम लोगों को 4 बजे निकलना था, हम लोग 3:15 बजे निकल गए, क्योंकि मौसम आपको दिख रहा है कैसा हो रहा है, बादल वाला बारिश वाला मौसम। हम लोग जब थोड़ी देर रेस्ट करने बैठे थे करीब 1:30-2 बजे से मौसम चेंज होना चालू हो गया था, और जैसे ही 3 बजे तो मुझे लगा कि यार मौसम सही में चेंज हो रहा है, हमें निकलना चाहिए, तो हम लोग सही निकल गए ताकि बारिश की हो तो हम लोग एवरेज को कवर कर पाएँ, और नहीं होगी मौसम ऐसा रहा तो हम लोग जो है जल्दी समय पे ख़त्म कर सकते। गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग हमें रास्ते में कुछ ना कुछ पड़ता रहना चाहिए, चाय वगैरह की दुकान, और नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, बटर और मैं थोड़ा बहुत खा के ही निकले हैं, तो इसलिए हम लोग बिना खाए भी पूरा कर सकते हैं, पर अगर एक चाय मिल जाए तो अच्छा होगा। तो गाइस अपेरेंटली बारिश होने लगी है अचानक से, मैं और बटर जो है आगे बढ़ रहे थे और जस्ट अभी एक ढाबा क्रॉस किया हमने पीछे, मतलब वो 50 मीटर भी नहीं है, मैंने गूगल मैप्स देखा तो आगे ढाबा एक दो किलोमीटर में था, तब तक तो हम लोग भीग जाते हैं, हाँ इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं, ढाबा पीछे सही है, चाय पी लेंगे कुछ और खा लेंगे यार, भूख तो देखो लग ही रही है, खाना तो कितना भी खा लो चलेगा। नहीं धीरे चलना चाहिए। मैं ये पता नहीं, एक रील में देख रहा था कि इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप बारिश हो रही हो कि अगर बारिश हो रही हो तो आप कब ज़्यादा भीगते हो, जब भाग रहे हो आप या फिर जब चल रहे हो, तो अपेरेंटली इसका आंसर है जब आप भाग रहे हो, क्योंकि जितना आपका एरिया है उससे ज़्यादा आप बूंदे जो है अपने ऊपर पड़वाओगे, क्योंकि बूंदे ऐसे भी पड़ती हैं, तो आप एक्स्ट्रा बूंदे जो नहीं पड़नी चाहिए आगे पीछे की वो भी पड़ जाती हैं। मतलब मेरे को ज़्यादा लॉजिक समझ नहीं आया इस बात में, बट मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई करके देख रहा हूँ, और कम भी गए फिर आप पहुँच गए ढाबे पे, हम लोग मेरा ढाबा देखते हैं। बहुत तेज बारिश, अच्छा डिसीजन कि हम लोग पीछे आ गए, नहीं तो भीग जाना था कसम से,
बहुत तेज डाल दिया, बहुत तेज डाल दिया। तो गाइस मैं और बटर जो है दोबारा निकले हैं और अच्छा खासा आधा घंटा और अच्छा खासा अरे उल्टी साइड से चल रहा है और अच्छा खासा आधा घंटा बारिश हुई है और तगड़ी तरीके से बारिश हुई। एकदम सही डिसीजन ले लिया था वापस जाने का, क्योंकि इस ढाबे से अगला ढाबा 8 किलोमीटर में, और हम लोग बैठे बैठे तो मैं क्या ही करता, मैप्स देख रहा था तो पता चला कि हम लोग 15 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और हम लोग 8 किलोमीटर करेंगे तो 23 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे, एवरेज कम्प्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ रुकने की जगह चल जाएगी। काफ़ी काफ़ी 8 किलोमीटर में काफ़ी सारे ढाबे हैं, 3-4 और कम से कम 3-4 पेट्रोल पंप हैं, तो हम लोग को कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी। बाकी बटर वैगन जो है चल रही है एकदम मस्त, बारिश हो गई है ना तो ज़्यादा अच्छा है, बटर को गर्मी भी लग रही है और हम लोग जो है कंटिन्यूस लगातार ज़्यादा देर तक चल सकते हैं। बटर मैडम शाम को तो ऐसे चलती हैं जैसे बिल्कुल एकदम रानी हो, मतलब कोई रोकने टोकने वाला नहीं। क्या बटर है रानी की तरह चल रहे हो? तू ना पहले मेरे को डिस्टर्ब मत करना, तुझे पता है मैं रानी हूँ, तो तुझे पता है ना रानी को डिस्टर्ब नहीं करते ऐसे, अपॉइंटमेंट लिया करो पहले बात करने से पहले। अरे भाई कुछ भी हो गया भाई, तो मुझे सड़क पे ध्यान देंगे ट्रैफिक आ रहा है। हाँ सही बात है, सही बात। सूरज ने वो कितना प्यारा बना दिया यार, ठीक सामने सनसेट हो रहा है, मतलब इतना मजेदार कि क्या होता हूँ। यही कुछ मोमेंट होते हैं जिसमें, यही कुछ पल होते हैं जिसमें जो है मज़ा आ जाता है कभी कभी, और सनसेट देखने में तो हमेशा ही मज़ा आता है। हालांकि मुझे सनराइज़ भी पसंद है बट मैं थोड़ा सनसेट वाला ज़्यादा बंदा हूँ, मेरे को सनसेट देखना ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको कलर्स पसंद है स्काई में देखना तो मैं बोलूँगा कि सनराइज़ इज़ मच बेटर, क्योंकि सनराइज़ में पर देखो सनसेट का अपना एक अलग मज़ा है, और स्पेशली जब वेस्ट कोस्ट पे देखो गोवा केरला की तरफ तो अलग ही मज़ा है, और ईस्ट कोस्ट पे सनराइज़ तमिलनाडु आंध्रा साइड सनराइज़ देखने में बहुत मज़ा है, क्योंकि समंदर से ऐसे सूरज उगता है वो तो बहुत ही अमेजिंग। और इतनी सारी बातें करते करते मैं और बटर पहुँच ही गए। तो तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम्हें मना किया है क्या? क्योंकि मैं कंसंट्रेट कर रही हूं चलने पे, तेरी तरह नहीं ना, बस चपड़ 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 चपड़। तो फिर चपड़ चपड़ नहीं करूंगा तो फिर ब्लॉग कैसे बनेगा? ब्लॉग तो ऐसे ही बन रहा है, मेरे को दिखा दिया कर, लोग तो ऐसे ही खुश हो जाएंगे, तेरी चपड़ चपड़ से तो अच्छा ही है। तुम ना रहने दो, आ जाओ चुपचाप, चल चल आगे चल, मैं देख देख के आ जाऊंगी। तो गाइस 5:40 हो रहे हैं और सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह गया है होटल और साथ ही साथ पेट्रोल पंप, तो हम लोग जो है और 6 बजे तक मतलब पहुंच ही जाएंगे, 1.5 किलोमीटर 20 मिनट में तो हो ही जाएंगे, 1.5 किलोमीटर 20 मिनट में तो हो ही जाएंगे, अभी 5:40 हो रहे हैं तो 6 बजे तक हम लोग करेक्ट पहुंच जाएंगे। आपको सीधा मिलते हैं इन 1, 2, 3। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बवाड़ी और हम लोगों को पेट्रोल पंप पे तो जगह नहीं मिली, हम लोगों को पर बराबर में एक जगह है, ये दुकान है, भैया भी गए हुए हैं, चाय की दुकान है, हम लोगों को खाट वाट मिल गई है, बटर नीचे लेटी हुई है, भैया लोग मिल गए थे हमारे यूपी से जौनपुर से तो बातें बातें कर रहे थे। बाकी बराबर में एक ढाबा है और हम लोग वहाँ जाके खाना वाना जो है पार्सल करा सकते हैं, ये सामने भी एक ढाबा है वो जो है पर वो वेज नॉन वेज दोनों है, इसके बराबर में जो एक ढाबा है वो है प्योर वेज, तो हम लोग वहाँ जाएंगे और खाना खाएंगे और क्या है। पर फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसा कुछ है, हम लोगों को ये जगह मिल गई, हम लोग कैंप लगा रहे थे पहले वहाँ पे बराबर में उस जगह पे, तो भैया ने बोला खाट पे सो जाना रात को तो सुबह कैंप उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी चाय पियेंगे फिर उसके बाद चलेंगे फिर खाना लेने। तो गाइस मैं और बटर जो है जा रहे हैं, ओ ओ ओ रॉन्ग डिसीजन वापस आओ, मैंने ऐसे पार हो जाते मुझे लगा कि नहीं सेफ्टी फर्स्ट गाइस, चल लग रहा हो कि पार हो सकता है तो भी पार ना करें, तब पार करें जब पता है कि दो को पार हो सकता है। बटर मैडम और मैं जो है फिलहाल जा रहे हैं खाना लेने, इससे मेरे पास ऑप्शन था, ये देखो जो मंदिर आपको दिख रहा है ना, भैया यहीं रहते हैं जिनकी दुकान है चाय की,
और यहाँ पे पेट्रोल पंप वगैरह दूसरे भी हैं। बाकी ये होटल है, होटल श्री मारुति कृपा भैया ने बोला है, नया खुला है और प्योर वेज है। अभी तो नाम दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ चलते हैं दाल बाटी। दाल बाटी खाने का, अगर दाल बाटी मिल जाए तो अच्छा है। ओ, तेरी बटर, ये देखो कहाँ अनवांटेडली ले जा रही हैं बटर मैडम मेरे को खींच के। अरे कहाँ ले जा रहे हो? अच्छा जी, चलो चलो देखें जरा रात में कहाँ, मैं भी देखूं जरा। ये पक्का सुसु करेगी, देखना ये पक्का सुसु करेगी। देखो 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 देखो, फालतू में खींचा गया है, दूसरी डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है, मान ही जाएंगे। चलो इधर इधर चलो। तो ये है गाइस होटल श्री मारुति। वैसे यहाँ पे रूम लॉज वगैरह भी हैं, वो बराबर में लिखा हुआ है, बट हम लोग ऐसे ही सो जाएंगे क्योंकि प्रॉमिस किया है कि कैंप वैम्प भी लगाएंगे। नया फ्लेवर लग रहा है गाइस। बटर और मैं खाना लेके आ चुके हैं, बटर मैडम अपना कर्ड राइस खा रही है, मैं अपने लिए लाया हूँ दाल बाटी पैक करा के। और फिलहाल हो गया है सोने का समय। हम लोगों के आज अगर टोटल देखा जाए तो डिनर में 200 रुपये लगे, दिन में 100 रुपये लगे थे मेरे समोसे और बटर के दूध के साथ, फिर चाय के 30 रुपये लगे लगभग, मैं भी हमने ब्रेक लिए, और शाम को 30 रुपये और लगे, तो टोटल आज का जो है 360 रुपये हो रहा है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों का आज सोने का कैसा है। ये मेन हाईवे है ना, और जस्ट बराबर में हमारे पेट्रोल पंप है, जस्ट बगल में ही। ये सब 24 घंटे खुला रहता है। भैया चले गए सुबह 4-5 बजे आएंगे, भैया की दुकान है। बटर मैडम ऑलरेडी खाट पे जाके सो चुकी हैं। हमारे पास ऑप्शन था कि हम लोग जो है कैंप लगाएं या फिर हम लोग खाट लें, तो मैंने सोचा कि सुबह उठ के क्या कैंप वो करेंगे, तो खाट पे सो जाते हैं। बटर मैडम पहले ही जाके सो चुकी हैं, और बाकी बैग वैग वहाँ रखा है। वैसे सेफ है, 24 घंटे खुला रहता है, लोगों ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर में ही पेट्रोल पंप है, तो दिक्कत सही में नहीं है। बाकी बटर मैडम तो है ही हमेशा रेडी। देखो आवाज़ आती है मैडम अगर देखने लगी तो, बेस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारी बटर मैडम। आज के लिए इतना ही है, कल मिलेंगे एक नए दिन एक नए सफ़र पे। तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय। मेरे और बटर की तरफ से